बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, रहने की 520 बेड का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, ये सब उनकी मांग पुरानी थी। और मैं नेता सुमार धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने स्वीकृति किए और आपके यहाँ आपके शहर में बनने जा रहा है अच्छे समाज के लिए। बहुउद्देशीय भवन था जिन्होंने हमारे भाई विजय जी ने मांग किया था, माने विधायक जी ने, ये भी पूरा हमारे नेता ने किया, सुमार ने किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से पूरे आवाम को, कटिहार जिला के तमाम साथियों भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी सरकार ने काम किया है अच्छे समाज के लिए, हर समाज का किया है, अल्पसंख्यक समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए, अखिलेश के लिए जिन्होंने काम किया है, इतिहास गवाह है। 2005 के बाद अगर कोई काम किया है उस नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। मैं आपके बीच में आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, जो मेरे समाज के लोगों ने जहाँ पर विश्वास किया था, जहाँ जिसको नेता बनाया, बिहार प्रदेश का बागडोर दिया था, वो लोग हम सबके साथ क्या किए हैं ये वो देख सकते हैं, तराजू पे तौल सकते हैं। मेरे नेता का काम, उनका काम, जिनके साथ मेरे समाज के लोग ज़्यादातर रहते थे, जिनको बागडोर दिया, उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर, पूरे परिवार को प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटने का आज भी काम करना चाहता है। पिछले दिनों जाइए 2005 के पहले हमारे साथ उन्होंने कैसा किया है, जो माई का समीकरण देकर धोखा देने का काम किया, ठगने का काम किया, विश्वासघात मेरे समाज के साथ किया, मेरे समाज को समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मेरा नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि वोट की राजनीति नहीं करना है, हमेशा दिल से और दिमाग से बिहार को, हर समाज का सेवा करना है, और उन्होंने सेवा भी किया। मैं आपके जो कटिहार जिला की बात करना चाहता हूँ, जो कटिहार जिला में मेरे नेता ने दिया है, हर समाज को दिया, जो अल्पसंख्यक समाज, जो बड़े पैमाने पर उनको वोट नहीं करता है, लगभग मुझे लगता है हमारे नेता को, जिन्होंने काम ईमानदारी से किया, आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 20 मदरसा सौदीकरण के लिए स्वीकृत हो गया है, बनने जा रहा है। सौदीकरण यानी पूरी आधुनिकता से जो भी है लैस होकर, उसमें कंप्यूटर सिस्टम जो भी सिस्टम है आधुनिक, सारी उसमें रहेगी, लाइब्रेरी रहेगा, सारी व्यवस्थाएँ उसमें रहेगी। हमारे बगल में दाहिने साइड में भाई विजय जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा प्रयास करते रहे, इनको भी ये लालच नहीं है वोट मिले ना मिले, इनका लालच है हमारे कटिहार में विकास हो, और नेता नीतीश कुमार जी ने स्वीकृत करते रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चुनाव 25 का आने वाला है, और लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने देखा है, यहाँ पे कटिहार ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, जो भी सीमांचल का है, कहीं भी निगाहें उठाएंगे, अगर कोई काम किया है माइनॉरिटी के लिए अगर, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है। अगर ये लोग, मेरे समाज लोग मुझे समझा दें उन्होंने नहीं काम किया है, तो उसमें राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपके बीच में, चूँकि आप मीडिया के साथी हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, आप सब जानते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बार जागना चाहिए। जो नेता आपसे प्यार करता है, आपके समाज से प्यार करता है, आपके हर, या वो मस्जिद हो, आपका कहीं दरगाह हो, जो भी मामला है, उससे वो प्यार करते हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे देश के सेक्युलर नेता आपको नहीं मिलेगा जो नीतीश कुमार जी हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सौगात अभी आप हमने दिया, हमारे नेता ने दिया, आवासीय विद्यालय, चिंता थी हमारे नेता को कि वहाँ सीमांचल में बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पर बच्चे उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी व्यवस्था में होनी चाहिए। आपको याद होगा, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपने देखा किशनगंज में, देखा आपने दरभंगा में, आपने देखा 60-70 करोड़ की आवासीय विद्यालय बनाकर चमचमा रहे हमारे नेता ने, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, खाने की व्यवस्था निःशुल्क हमारे नेता ने दिया, नहीं कटिहार में ही जरूरत है। भाई विजय जी ने लिख कर 3-4 बार मुझे दिए, मैं नेता से बात किया, नेता कहने आप वहाँ भी कराओ। आप सबको जानकर खुशी होगी, तमाम भाई हमारे बैठे हैं, तमाम समाज से बिलोंग करते हैं, कि आवासीय विद्यालय हमारे नेता ने दिया, बहुउद्देशीय भवन दिया, मदरसा का मामला था कटिहार में, उनका नहीं, किशनगंज और पूर्णिया और दरभंगा और कटिहार में भी होना चाहिए। वोट दे न दे, आपने देखा अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, कितना मुझे वोट मिला, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे नेता ने आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए, तत्काल मुझे लगता महीने 2 महीने में अब टेंडर में चला जाएगा, वो काम हो जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा एक सौगात मिलेगा माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, हॉस्टल की व्यवस्था पहले से ही जो आप जानते हैं, तो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें हमारे नेता ने किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जागो, नहीं जागोगे समय बीत जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो नेता नीतीश कुमार जी ने आपके लिए सारे समाज ने किया है, इतिहास गवाह है। जो नेता, ऐसा नेता मुझे नहीं लगता है देश के अंदर कोई ऐसा नेता होगा जिसे पूरा बिहार अपना परिवार समझा। हर MLA MP रहता है, हम लोग भी हैं, चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ कर ले, हमारा बेटा आगे बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जब से मैं देखता हूँ, मैं तो बहुत कम दिन से पार्टी में आया, मैं MLA था कहीं और से, फिर मैं आया, मैंने देखा इस नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार समझा, कोई लेना देना नहीं अपने परिवार से, पूरे बिहार के किसी भी समाज का वोट दे न दे, अगर उसको दुख होता है तो नीतीश कुमार जी को दुख होता है। कोई त्यौहार होता है परेशान रहते हैं, कोई त्यौहार ऐसा हो जिससे आपसी कहीं लगता है कि सौहार्द बिगड़ जाएगा,
हमेशा अधिकारी निर्देशित करते रहते हैं, हम लोग बताते समझाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हो सारे लोगों को लेकर चलो, जात की बात मत करो, पार्टी की बात मत करो, दिल की बात करो, दिल से सबको लेकर चलो, जो प्रतिनिधित्व करता है जिस विधानसभा का वो सबका होता है, मेरा नेता है, हमको सिखाते हैं, इनको सिखाते हैं, ये जी को सिखाते हैं, ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो नेता नीतीश कुमार जी ने पूरी जिंदगी पूरी लाइफ बिहार के अवाम के लिए कर दिया है, अपने कुछ नहीं किया है, जिसकी बात हमारे समाज के लोग करते हैं, वो प्राइवेट कंपनी बनाकर हमारे ओर से माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, कभी दादा का समीकरण करके ठगने का काम करता है, जो व्यक्ति प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटने का प्रयास कर रहा है उससे सबको होशियार रहना चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, पूरे बिहार का परिवार अपने परिवार समझ के जात की बात नहीं करते, पूरी जमात की बात करते हैं, और किसी भी समाज वर्ग धर्म से बिलोंग करता हो, इन्होंने कभी मंच के द्वारा नहीं कहा कि फलाने वोट नहीं दिया मैं उनका काम नहीं करूंगा, हर बिहार का हर समाज का उनमें फिक्र रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथी, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आज रोड का मामला हो, अब जनरल ले लीजिए, जनरल में आता हूं, माइनॉरिटी को छोड़ जनरल की बात मैं करता हूं, SC ST का मामला हो, अति पिछड़ा का मामला हो, किसी समाज के विकास का मामला हो, नेता नीतीश कुमार जी ने ही बिहार के अंदर किया है। 2005 के बाद ये बिहार की हालात क्या था, चूँकि हम लोग नौजवान हैं, बहुत समय उम्र कम थी हम लोगों की, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोगों से पूछने में पता चलता है उस समय स्थिति बिहार के अंदर क्या थी, भयावह स्थिति थी, लोग चलने से डरते थे, निकलने से घर से डरते थे, इसी कटिहार से 10-12 घंटा लगता था पटना में जाने के लिए। विवाह नेता नीतीश कुमार जी, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि उम्र और बढ़ा दे, मजबूत कर दे, सेहत मजबूत कर दे, आज 4-5 घंटा में किसी बिहार के कोने से हम कैपिटल पहुँच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिजली नहीं थी, क्या व्यवस्था था, शिक्षा का क्या व्यवस्था था, सौहार्द भाईचारा क्या व्यवस्था था, दंगे हो जाते थे ये लोग करवाते थे, तो ये ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, अभी भी ठगना चाहते हैं, ये प्राइवेट कंपनी बनाकर ये ठगने का काम करते हैं। मैं तो अपने समाज से कहना चाहता हूँ, मैंने ठीक है आप होशियार हो जाओ, नहीं तो मैं याद करना चाहता हूँ भागलपुर का दंगा, भागलपुर का दंगा किसके जमाने में हुआ था, कौन कराया था, मेरे समाज के लोग जागे और दंगा उन्हें कराया, उनके पीरियड में हुआ, लेकिन सजा हमारे नेता ने, जब नेता हमारे गए वहाँ के लोगों ने बताया, उनके आंख में आंसू देखे मेरे नेता नीतीश कुमार जी ने, तो पनिशमेंट किया, कौन किया, मेरा नेता नीतीश कुमार जी ने किया, जिनके परिवार उजड़ गए थे उनको मुआवजा कौन दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया, आज भी मंत्री में घर पहुंचता है, सरकार देती है, अब क्या चाहिए आपको, अब क्या चाहिए आप समझा दो मुझे ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग आज 25 का चुनाव सामने है, बिहार बर्बाद हो जाएगा, लोग ठगना चाहता है, और सबसे बड़ी बात है नेता नीतीश कुमार जी में किसी का एजेंडा नहीं चलने देते हैं, वो किसी के साथ रहे उधर नहीं जाना है, नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं और चाहते वही हैं कि बिहार में शांति हो, अमन हो, चैन हो, जो संविधान कहता हो, सारे समाज के लोग अमन चैन शांति से अपने अपने धर्म को माने, विकास करें, सौहार्द बने, ये वो चाहते हैं, और ये जब भी रहे किसी के साथ रहे होंगे, किसी का चलने नहीं देते, वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं, नीतीश कुमार जी वही चाहते हैं जो बिहार का विकास और सौहार्द बना रहे।